हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। CAA और NRC को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए बवाल के बाद लगभग एक महीने से बंद पड़ी यूनिवर्सिटी सोमवार को खोली गई। AMU इंतजामिया द्वारा चरणबद्ध तरीके से सोमवार को यूनिवर्सिटी के 15 डिपार्टमेंट को सुचारू किया गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बवाल के बाद सोमवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए। इस दौरान CO सिविल लाइन अनिल सवालिया के नेतृत्व में RAF, PAC और स्थानीय पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस सहित आसपास के इलाके का पैदल भ्रमण किया और सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए AMU के बॉबे सैयद गेट पर बिना पहचान पत्र के किसी भी वाहन चालक या व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया गया। गेट पर सभी लोगों की चेकिंग के बाद ही अंदर एंट्री दी गई। हालांकि AMU के अंदर आज भी छात्रों का धरना प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। यूनिवर्सिटी खुलने के बाद इंतजामिया ने जरूरी मीटिंग बुलाई है, जिसके बाद आगामी रणनीति पर विचार किया जाएगा। 16 जनवरी से परीक्षा शुरू हो रही है, जिसको मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया की मीटिंग को अहम माना जा रहा है। AMU आज कई दिनों के बाद खुली है। सुरक्षा की दृष्टि से हमने सवेरे से ही पुलिस को अलर्ट रखा है। सवेरे RAF, PAC के साथ मैंने स्वयं यहाँ पैदल गश्त किया है और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर सिविल पुलिस को भी और फायर सर्विस और वाटर कैनन को अलर्ट करके रखा है। हमारी पुलिस की तरफ से सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था है और अभी तक शांति बनी हुई है। हाँ, यूनिवर्सिटी के उधर कुछ मेडिकल के क्लासेस खुल गई हैं। मामले को लेकर CO सिविल लाइन अनिल समानिया ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि AMU की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। टाइम 24 न्यूज के लिए अदनान खान की रिपोर्ट। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।